हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रियंकरतावा शो। आज के एपिसोड में हम बनाने जा रहे हैं लीची बूंदी, इसे बूंदिया भी कहते हैं। ये एक झटपट रेसिपी है जिसमें हमें फ्राई करने की जरूरत नहीं है और 10 मिनट में हमारी बूंदी बनकर तैयार हो जाएगी। बाहर से क्रिस्पी एंड अंदर से जूसी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल बूंदी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए रेडीमेड बूंदी जो कि हम रायता में यूज करते हैं। ये ध्यान रखें कि जो बूंदी आप खरीद रहे हैं वो सादी यानी बिना मसाले की होनी चाहिए। अब इस नमकीन बूंदी को हमें मीठा बनाना है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक पैन में डालेंगे थोड़ा सा घी और फिर पैकेट वाली बूंदी। मैंने एक पैकेट बूंदी ली है जो कि 280 ग्राम्स है। अब बूंदी को मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करेंगे। ऐसा करने से बूंदी में घी की अच्छी खुशबू आ जाती है और ये खाने में और भी टेस्टी लगती है। इसे साइड रख देते हैं। अब हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे। आप चाहें तो चीनी की भी बना सकते हैं। मेजरमेंट सेम ही लेना है। मिक्स करें। अगर आप सफेद गुड़ यूज कर रहे हैं तो मिठाई का रंग चीनी की तरह ही आता है। आप गुड़ की जगह चीनी भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, गुड़ मेल्ट हो गया है। थोड़ा सा केसर डालेंगे। केसर को पाउडर बना लिया है, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। चाशनी एक तार से भी कम, गुलाब जामुन या जलेबी की चाशनी की तरह होनी चाहिए। केसर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप चाहें तो येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, बट केसर का इतना अच्छा कलर आया है तो मैं कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं डालूंगी। थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। गैस बंद कर देते हैं। अब चाशनी को एक बड़े बोल में निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। मैं 2 छोटे बोल्स में थोड़ी थोड़ी चाशनी अलग रखूंगी। अभी देखिए, बिल्कुल हलवाई जैसी बूंदी बनाएंगे। ये चाशनी साइड रख दीजिए। अब सेकी हुई बूंदी डाल देंगे एंड थोड़ी बूंदी मैंने बचा ली है। इसे अच्छे से मिलाएंगे। बूंदी उतनी ही होनी चाहिए जितनी की चाशनी में अच्छे से कवर हो जाए। अब इस चाशनी में थोड़ा रेड फूड कलर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। दूसरे वाले में ग्रीन कलर डालकर मिक्स करें। फूड कलर थोड़ा ज्यादा डालें ताकि अच्छा रेड एंड ग्रीन कलर आए। बची हुई बूंदी डालकर अच्छे से मिक्स करें। इस बूंदी को 2 से 3 घंटे चाशनी में सोक होने दें, तभी अच्छा कलर आएगा। अब इन सबको मैं 3 घंटे तक रेस्ट करने दूंगी ताकि अच्छा कलर आ जाए एंड चाशनी अंदर तक पहुंच जाए। थोड़ी थोड़ी देर में इसे मिक्स करते रहें। ये देखिए, बूंदी फूल गई है। अब रेड एंड ग्रीन बूंदी ऐड कर देते हैं। कटे हुए बादाम, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। हल्का हल्का मिक्स करें ताकि कलर एक दूसरे में ना लगे। आप चाहें तो अभी बूंदी खा सकते हैं, लेकिन बूंदी को एक दिन तक चाशनी में सोक होने दीजिए। एक्चुअली ये 2-3 दिन बाद खाने में और भी टेस्टी लगता है। देखिए, दूसरे दिन सारी चाशनी एब्जॉर्ब हो गई है और ये बाहर से ड्राई एंड अंदर से बिल्कुल जूसी बनी है। देखिए, बन गया ना हवाई स्टाइल बूंदी, बिल्कुल इजी एंड क्विक। तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी। कोई भी पूजा या फेस्टिवल के प्रसाद के लिए ये बूंदी आप घर पे झटपट बना सकते हैं, बिल्कुल बाजार जैसी। गिव दिस वीडियो अ थम्स अप इफ यू एंजॉयड वॉचिंग इट। सब्सक्राइब टू अक्षय फूड्स एंड प्लीज बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। एक बार फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।